जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि केजरीवाल की राजनीति घातक है, वो बार बार पीएम का अपमान कर रहे हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने भी हमलों की बौछार की थी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, हर राज्य में उसकी सीटें कम हो रही हैं। दिल्ली की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने साजिश रची, मुझे जेल भेजा, मेरा इस्तीफा नहीं देना तानाशाही के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चला रखा है और उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं, जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा। वो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाइज्जत बरी हो गए हैं, जबकि उनके ऊपर बेहद गंभीर शराब घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। दोनों ही तरफ से एक दूसरे का दम निकालने की कोशिश की जा रही है, अपना अपना दम दिखाया जा रहा है। किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा, इसका फैसला तो दिल्ली की और देश की जनता को करना है। लेकिन आज पूरे दिन इस पूरे मामले में सियासत किस तरह से जारी रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। भले ही केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मोदी के पीएम पद को लेकर बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में जेल से 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल के बयान का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना। लोकसभा चुनाव के नतीजे वैसे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन दिल्ली के सीएम ने आज ही बता दिया कि नतीजा क्या होगा। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने को केजरीवाल ने जायज ठहराते हुए खूब आग उगला। जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं यहां मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो, उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल ने बीजेपी की तरफ बयानों का तोप मोड़ा तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल कौन है? एक भ्रष्ट नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में पाए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल में है। ये पहली ऐसी सरकार है जो इतनी भ्रष्ट भी है और बेशर्म भी है।
संविधान बनाने वाले बाबा साहब ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा जेल गया मुख्यमंत्री, जेल से सरकार चलाएगा। ये लोकतंत्र का कत्ल अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया है। केजरीवाल ने भी आज पूरे जोश से दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें आप शामिल होगी और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएगी। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी, दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। इंडिया गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने का दावा ठोक रही है तो बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए तंज कसा। बात सीटों की तो आप ये समझ लीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें आएंगी तो दुगना तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस हिकारत के साथ, जिस नफरत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में बोलते हैं, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो आप लोग अपने विवेक से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आ रही हैं। 2024 की सियासी लड़ाई की शुरुआत के लिए केजरीवाल आज सुबह हनुमान मंदिर गए। उनके साथ सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली के कैनॉट प्लेस के इस मंदिर में केजरीवाल ने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ के बाद बाहर निकलते ही समर्थकों का अभिवादन किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद विपक्ष को क्या फायदा मिलेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनाव बाकी है तो केजरीवाल को प्रचार करने का मौका जरूर मिलेगा। पंजाब में वो 20 दिन और हरियाणा दिल्ली में 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। पंजाब की 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है, जबकि दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। हरियाणा की 10 में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया है, जहां 25 मई को वोट पड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल की रिहाई के बाद उनके प्रचार का आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन को कितना फायदा मिल पाता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, आज तक।